बड़े दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि ये दोनों भाई मेरे को छोड़ के जा रहे हैं। और मैं एंटर कर चुका हूँ अभी ओडिशा में, और ये जो आप लैंडस्केप देख रहे हैं ये सारी ओडिशा की है। अब बाकी मुझे लगता नहीं है कि आज मैं अराकू वैली पहुँच पाऊँगा अगर ऐसा ही रोड मिला तो। बात करने की का जो तरीका है, रिश्ता जो है, या जैसे अनजानों से डील करते हैं, आई स्वेयर आई रियली एडमायर हिम। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा इनके साथ, मुझे भी बहुत मजा आया, हमेशा याद रखूंगा और रहूंगा। और काफी समय तक बनना भी मिलने की, और अगर दोबारा छत्तीसगढ़ आया तो यार अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे छत्तीसगढ़। बिल्कुल 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 बनता है, बिल्कुल बिल्कुल। चलो आप निकलते हैं अराकू वैली, और सुमित गया है अभी नीचे किसी लड़के को बुलाने जो कि हमारा सामान लेके जाएगा। यो लेट्स गो। सो नाउ वी आर लिविंग फॉर एक्चुअली ओनली मी लिविंग फॉर अराकू, और दोनों भाई संचित और सुमित जगदलपुर तक साथ चलेंगे, उसके बाद फिर ये अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। तो आई थिंक ये है दंतेश्वरी मंदिर। जय माता दी। बोर्ड का फोटो लेने, ये हो सकता है सर्किट हाउस दंतेवाड़ा, यहाँ पे लेते हैं। सर्किट हाउस दंतेवाड़ा। तो यहाँ की एक फोटो लेकर हम निकलते हैं कि मेमोरीज में आ जाए। हम दंतेवाड़ा भी गए थे, तो पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, मेरे ख्याल से लंच भी साथ ही साथ हम कर लेंगे। ये है इंडियन कॉफ़ी हाउस दंतेवाड़ा। अरे यहाँ कहाँ लगाओगे, यहाँ ज़्यादा बेटर है, वहाँ ज़्यादा डाउन है। चले चलो चलो, बहुत लेट हो जाएंगे यार, 11:30 ऑलरेडी बज चुके हैं। 12, ओ माय गॉड। भाई जाना किधर है? अरे अच्छा है, अच्छा है, चलो
उधर बैठेंगे रोशनी में, रोशनी में वॉशरूम, अरे वॉशरूम नहीं। क्या क्या हुआ? रेनकोट पहन लेते हैं। तो भाई बारिश काफ़ी तेज़ शुरू हो गई है, यहाँ पर रेनकोट पहनना सही रहेगा, इन महाशय ने तो पहले ही पहन रखा है। बाकी पता नहीं फिर आगे कहाँ मिलेगा, इसीलिए जैसे ही हाफ टैंक से थोड़ा सा कम होता है मैं भरवा लेता हूँ। फुल कर दो। ये सीधा रास्ता जयपुर जाता है? कितना किलोमीटर है? 70। और बॉर्डर आंध्र प्रदेश का पता नहीं, छत्तीसगढ़ है? छत्तीसगढ़ का मालूम है सिर्फ, पता है आपको कितना हुआ था? 1 महीना हो गया, 2 महीने से ऊपर। कब वापस? देखो 2 महीने और। कहाँ जाओगे? नॉर्थ ईस्ट, कोलकाता, नॉर्थ ईस्ट, नेपाल। साला पैसा ही पैसा लग रहा है, पैसा ही पैसा लग रहा है साला। बहुत पेट्रोल है, बहुत पेट्रोल खा रहा है ये। कितना एवरेज दे रहा है? 20, 22, 25 बस। तो भाई साहब रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है यहाँ का, हाईवे तो कह ही नहीं सकते आप, गड्ढे ही गड्ढे हैं। अब बाकी मुझे लगता नहीं है कि आज मैं अराकू वैली पहुंच पाऊंगा अगर ऐसा ही रोड मिला तो। ओह माय गॉड, अरे मुर्गे मुर्गे, ओह माय गॉड, नज़ारे ही नज़ारे हैं कुदरत के। ये देखिए चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, जहां तक दूर तक नज़र जाती है, फुल
फुल लॉन ग्रीन है, वो देखिए बादलों की फॉर्मेशन अल्टीमेट है, अल्टीमेट। तो यहाँ पर तो यार एक फोटो बनता है ना, एक फोटो लेते हैं यार। आहा आहा आहा, तो इधर देखिए खेती चल रही है, धान के खेत हैं और इनको निकाल रहे हैं। हेलो, हाँ बारिश ने हाल बेहाल कर रखा है भाई। और मैं एंटर कर चुका हूं अभी ओडिशा में, और ये जो आप लैंडस्केप देख रहे हैं ये सारी ओडिशा की है। तो भाई जी मंत्री जी आ रहे हैं, मंत्री जी पूछ लेते हैं यार। जयपुर 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 22 जयपुर के लिए कैसे जाएंगे स्टेट? अरे भैया साइड ओले, अरे कहाँ जाएगा? बहुत ट्रैफिक है यार यहाँ पर तो, और जगह 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 ब्रेकर बना रखे हैं ये देखो, और सबसे गंदे लगते हैं छोटे वाले। ओह माय गॉड, सस्पेंशन और कमर दोनों की वाट लगा देते हैं। अरे कितनी सारी जा रही हो। ये अराकू के लिए कैसे जाएंगे? अराकू अरकू अरकू कितना दूर है? बहुत दूर है, 190। माय गॉड, हाँ ये भी बता रहे हैं 190। तो इनको खुद को नहीं मालूम कि कितना किलोमीटर है, बाकी 5 बज चुके हैं। पेड़ कैसे टूटे पड़े हैं, तो नज़ारे तो अच्छे हैं लेकिन यार थोड़ा सा डर भी लग रहा है। आगे देखिए फॉग का आलम, कुछ नज़र नहीं आ रहा है। अराकू रह गया है 55। और एक फोटोग्राफ लेने का मन कर रहा है, आगे का जो नज़ारा है बहुत ही खूबसूरत है। तो हम रुक गए हैं, बाकी एक घंटा सवा घंटा लगेगा अभी पहुंचने में। अभी तक तो रोड ठीक है, ज़्यादा पहाड़ी भी नहीं है, तो सही स्पीड पे चल रहे हैं, लेकिन फ़ोटोग्राफ के लिए काफ़ी टाइम लग रहा है जिसकी वजह से काफ़ी लेट हो रहा हूँ। देखिए क्या नज़ारा है, वो अल्टीमेट अल्टीमेट व्यू है।